नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। 16 से लगेगा टीका। बिहार में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पटना समेत पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान 10:45 से शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज यानी मंगलवार को आखिरी दिन है। निजी क्लिनिकों और अस्पतालों के कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से एक लिंक दिया गया है। गैस के रिसाव से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे। बेगूसराय में घरेलू गैस सिलेंडर के रिसाव को नजरअंदाज करना एक परिवार को उस समय महंगा पड़ गया जब लाइटर को जलाते ही आग भभक उठा और देखते ही देखते एक क्षण में पूरे परिवार को अपनी आगोश में लेकर जख्मी कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सभी घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना जिला समस्तीपुर के थाना हसनपुर अंतर्गत देवथा उल्हारा गाँव का बताया जा रहा है। प्रतापगंज रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन पर पहुंचा ट्रायल इंजन। सुपौल जिले के प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी रेलवे लाइन का पहला ट्रायल इंजन पहुंचा। ट्रायल इंजन के पहुंचते ही 9 साल का लंबा इंतजार लोगों का खत्म हो गया। 20 जनवरी 2012 यानी बीते 9 वर्ष के बाद प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी रेल यानी पहला ट्रायल इंजन पहुंचा तो लोगों में रेल परिचालन की आस जग गई। रेल इंजन की सीटी बजते ही महिला पुरुष बच्चों की हजारों की संख्या में भीड़ प्रतापगंज स्टेशन पर उमड़ पड़ी। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान ने गोली मार कर की खुदकुशी। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना के ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान ने सर्विस राइफल से गोली मार कर खुदकुशी कर ली। थाने में गोली की आवाज सुनकर कैंपस में अफरा तफरी मच गई। घटना जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कोलकाता न जाकर सीधे आज पटना आएगी। एयरपोर्ट पर अलर्ट। देश भर में होने वाले कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारत सरकार आज से ही कई राज्यों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने वाली है। इसके तहत बिहार को भी पहली खेप मंगलवार को मिलने वाली है। बिहार में पहली बार कोरोना वैक्सीन की यह खेप कोलकाता रीजनल सेंटर भी जानी थी, लेकिन अब प्रोग्राम में सुधार कर दिया गया है। इसके तहत बिहार में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दोपहर 1:30 पहुंच चुकी है। पूर्णिया में दरोगा आर्मी की भर्ती तैयारी में चोर दे रहे हैं ट्रेनिंग। पार कर दिया 18 मोबाइल, एक तो बेरोजगार, ऊपर से चोरों ने लगाया चूना। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दरोगा बहाली के लिए प्रशिक्षण करने वाले युवाओं को सुबह सुबह एक बड़ा झटका लग गया है जब प्रशिक्षण के दौरान किसी चोर ने एक साथ 18 मोबाइल उड़ा लिया। इतना ही नहीं, बैग में रखे कितने अभ्यर्थियों के वॉलेट भी गायब हैं। मोतिहारी में अवैध मिट्टी कटाई का मामला, तत्कालीन सीओ और थाना प्रभारी से होगी 38 लाख रुपए की वसूली। मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिग्रहित व प्रस्तावित भूमि के अवैध मिट्टी खनन मामले में सदर प्रखंड के तत्कालीन सीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी के वेतन से 38 लाख की वसूली होगी। आरबीआई ने रद्द किया एक और बैंक का लाइसेंस। जिन्होंने पैसा जमा किया है बैंक उन्हें पैसा वापस नहीं करने की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से अभी के जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस नहीं करने की स्थिति में है, जिस कारण से लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया।
डिप्टी सीएम के जनता दरबार में पहुंची उनकी रिश्तेदार, कहा मौसा से आई हूं स्कूल में एडमिशन कराने की पैरवी लिए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में कई लोग पहुंचते हैं, उनमें से एक उनकी रिश्तेदार भी पहुंची हुई है। वह अपनी बेटी के नामांकन एक स्कूल में कराना चाहती है। एक महिला जनता दरबार में पहुंची और बताया कि तारकिशोर प्रसाद उनके मौसा हैं। वह अपनी बेटी के नामांकन कराने के लिए जिसके लिए वह पैरवी कराने के लिए जनता दरबार पहुंची थी। बिहार में मिले कोरोना के 344 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,73,035। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार 344 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 25,73,035 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,251 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052433।